हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे डमरू यंत्र के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डमरू यंत्र का उपयोग किस में किया जाता है। तो सबसे पहला तो ये है कि डमरू यंत्र का प्रयोग रस भस्मों के निर्माण के लिए किया जाता है, भस्म रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। दूसरा ये है कि पारद और संखिया का उर्ध्वपादन करने के लिए डमरू यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, हिंगुल से पारद का निष्कासन करने के लिए डमरू यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि डमरू यंत्र का उपयोग क्या है, तो पहला रस भस्मों के निर्माण या फिर रस औषधियों को भस्म रूप में परिवर्तित करने के लिए, दूसरा पारद और संखिया का उर्ध्वपातन करने के लिए, और तीसरा हिंगुल से पारद के निष्कासन के लिए डमरू यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब डमरू यंत्र क्या है, कैसे दिखता है और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, उसे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक मिट्टी की हांडी लेनी है। इस मिट्टी की हांडी में आपको पारद आदि औषध द्रव्यों को भर करके रख देना है, जिसे आपको भस्म रूप में परिवर्तित करना है या जिसकी आपको भस्म का निर्माण करना है। इस मिट्टी की हांडी के ऊपर आपको एक दूसरी मिट्टी की हांडी को उल्टा कर रख देना है, जिससे दोनों मिट्टी की हांडी का मुख एक दूसरे में मिल जाए। अब इन दोनों मिट्टी की हांडी के मुख को मजबूत कपड़ मिट्टी से संधि बंधन कर देना है। देखिए आप कि इन दोनों मिट्टी की हांडी को जब आपने संधि बंधन किया, तो इन दोनों मिट्टी की हांडी की आकृति डमरू के समान बन जाती है, जिससे इसे डमरू यंत्र कहा जाता है। अब नीचे की मिट्टी की हांडी को आपको चूल्हे पर चढ़ा करके नीचे से आग जला देनी है, और ऊपर की मिट्टी की हांडी को आपको ठंडा करने के लिए या तो जलाधार रखना है या फिर जल से युक्त किसी भी कपड़े को रख देना है। अगर आप जलाधार का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस जलाधार में जो पानी है, उस पानी के गर्म होने पर आपको बार बार उसे निकाल कर बार बार उसमें ठंडा पानी भर देना है। या फिर अगर आप किसी गीले कपड़े का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस गीले कपड़े के गर्म होते ही आपको उसे ठंडे पानी में डुबा कर वापस उस मिट्टी की हांडी में समय समय पर रखते रहना है। तत्पश्चात अगर वो मिट्टी की हांडी थोड़ी देर तक चूल्हे पर चढ़ी रहेगी, तो उस मिट्टी की हांडी में आपकी रस भस्मों का निर्माण हो जाएगा। स्वांग सिद्ध होने पर आप उन दोनों मिट्टी की हांडियों को नीचे उतार लेंगे। नीचे उतार लेने के बाद उस कपड़ मिट्टी को हटाकर नीचे की हांडी में जो पारद आदि औषध द्रव्य आपने रखी हुई थी, उसमें भस्मों का निर्माण हो चुका है, उन भस्मों को आप सावधानी पूर्वक अलग कर लेंगे। चलिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक मिट्टी की हांडी लेनी है। उस मिट्टी की हांडी में आपको पारद आदि औषध द्रव्यों को भर कर रख देना है, जिसका आपको भस्म रूप में परिवर्तित करना है या फिर जिसकी आपको भस्म बनानी हो। अब इसके ऊपर आपको एक दूसरी मिट्टी की हांडी को इस तरीके से उल्टा करके रखना है कि दोनों मिट्टी की हांडी का मुख एक दूसरे के ऊपर मिला रहे। अब इन दोनों मिट्टी की हांडियों का मुख को आपको अच्छी तरीके से मजबूत कपड़ मिट्टी से संधि बंधन कर देना है। नीचे वाली मिट्टी की हांडी जिसमें आपने पारद आदि औषध द्रव्य को रखा है, जिसका आपको भस्म रूप में परिवर्तित करना है, उसे आप चूल्हे पर चढ़ा देंगे, और ऊपर वाले पात्र को ठंडा करने के लिए या तो आपको उसके ऊपर जलाधार रखना है, जिसका पानी आपको समय समय पर बदलते रहना है, या फिर उसके ऊपर आपको जल से युक्त कपड़ा रखना है, उसे भी गर्म हो जाने पर आपको उसे जल में भिगोकर समय समय पर बदलते रहना है। कुछ देर के पश्चात दोनों हांडियों को नीचे उतार कर हांडी के संधि बंधन को तोड़कर नीचे वाले पात्र से भस्म को सावधानी से एकत्रित कर लेना है। तो हमने देखा डमरू यंत्र का उपयोग रस भस्मों के निर्माण के लिए, दूसरा पारद एवं संखिया के उर्ध्वपातन के लिए, और हिंगुल से पारद के निष्कासन के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।